गुड आफ्टरनून क्लास, वंस अगेन वेलकम टू लॉजिक एंड फिलोसफी ऑनलाइन क्लासेस। वेल, इन माई प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, विच इज द थर्ड मेथड आउट ऑफ द फाइव एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ मिल एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। ओके, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। सबसे पहले व्हाट इज मिल्स कैनॉन ऑफ दिस मेथड, कैनॉन मतलब द प्रिंसिपल और द लॉ ऑफ दिस मेथड, वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, व्हाट एवर फेनोमेना वेरीज इन एनी मैनर, व्हेन एवर अनदर फेनोमेना वेरीज इन सेम पार्टिकुलर मैनर, इज आइदर अ कॉज और एन इफेक्ट ऑफ दैट फेनोमेना और इज कनेक्टेड विद इट थ्रू सम इफेक्ट ऑफ कॉजेशन। ओके, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल मीन्स, इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? इस प्रिंसिपल का मीनिंग है, अगर कोई पार्टिकुलर फेनोमेना वेरी करता है, ओके, इन ए पिकुलियर मैनर विथ सम अदर फेनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फेनोमेना इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक फेनोमेना इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दे आर कॉजली कनेक्टेड टू वन अनदर। ओके, नाउ टू अप्लाई दिस मेथड वी ऑब्जर्व टू फेनोमेनास। ये मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोगों को दो फेनोमेना ऑब्जर्व करना पड़ता है जो रिलेटेड है एक दूसरे से। किस तरह से रिलेटेड है? बाय वेरिएशन। ओके, लाइक सपोज, जैसे मैंने पहले बताया, अगर दो फेनोमेना हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें एक फेनोमेना जब इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक फेनोमेना डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, या फिर द अदर साइड, एक फेनोमेना इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दे आर कॉजली कनेक्टेड। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। नाउ ये जो वेरिएशन है, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन है, दिस मेथड इज ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, व्हाट आर द काइंड्स? डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। व्हाट आर द टू काइंड्स? डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन इज, वेरिएशन इज डायरेक्ट इफ टू थिंग्स चेंजेस और वेरी इन अ सिमिलर मैनर। ओके, दिस मीन्स दैट इफ वन ऑफ द थिंग इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ वन ऑफ द थिंग डिक्रीजेस द अदर ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है जब एक फेनोमेना इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, इफ एक फेनोमेना डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, व्हेन द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेस द टाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, व्हेन द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेस, सिमिलरली द टाइड ऑफ द ओशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, व्हेन द साइज ऑफ द मून डिक्रीजेस द टाइड ऑफ द ओशन ऑल्सो डिक्रीजेस। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट इज इनवर्स वेरिएशन। It is inverse when two things vary or changes in a dissimilar manner. It means that if one of the thing increases, the other decreases, and if one decreases, the other increases. So direct variation के बाद अभी inverse variation. Inverse variation का मतलब है जब एक phenomena increase होगा तो दूसरा decrease होगा, if एक decrease होगा तो दूसरा increase होगा. For example, दिस काइंड ऑफ वेरिएशन हम लोग ज्यादातर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ओके, जब डिमांड किसी चीज का बढ़ जाता है, ओके, कब बढ़ता है डिमांड? जब उसका प्राइस घटता है। अगर किसी चीज का प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। सिमिलरली, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड घट जाता है। सो दैट इज inverse variation. Okay, clear? So variation is of two kinds, that is direct variation and inverse variation. Now direct variation ka matlab hai when one phenomena increase, the other also increase, when one phenomena decrease, the other also decrease. Or inverse variation ka matlab when one increase, the other decrease, when the other increase,
देन 1 degrees. ओके, नाउ मैंने 4 कैनन ऑफ एलिमिनेशन बताया था फर्स्ट क्लास में. द मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन इज कनेक्टेड विद द थर्ड कैनन ऑफ एलिमिनेशन. व्हाट इज दिस थर्ड कैनन? इफ टू थिंग्स वेरी टूगेदर दे आर कॉजली कनेक्टेड, which means that if the cause and the effect being quantitatively equal in energy increase or decrease in one must be followed by the proportionate change in the other. Thus, whenever the causes varies, the effect also varies. So, this is the third canon of elimination which is related to मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन. मतलब अगर दो चीज एक साथ वेरी कर रहा है तो वो दोनों कॉजली कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल दिया, जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड डिक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तब डिमांड इंक्रीज होता है. दैट मीन्स दे आर वेरिंग, सो दे आर कनेक्टेड टू इच अदर, दे आर कॉजली कनेक्टेड टू इच अदर. ठीक है, वन मोर पॉइंट इन दिस मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन इज परमानेंट कॉजेस. नाउ व्हाट इज दिस परमानेंट कॉजेस? परमानेंट कॉजेस अकॉर्डिंग टू J.S. मिल मीन्स विच कॉजेस कैनॉट बी टोटली एलिमिनेटेड. जो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग परमानेंट कॉजेस बोलते हैं. ओके, देर आर सो मेनी थिंग्स इन नेचर जो हम लोगों के हाथों में नहीं है, हम लोगों के बस में नहीं है एलिमिनेट करना. ठीक है, दे आर नोन एज परमानेंट कॉजेज अकॉर्डिंग टू मिल. फॉर एग्जाम्पल, हीट, ग्रेविटी, प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर. ओके, द मून एंड द टाइड. मून एंड द टाइड का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, जब मून इंक्रीज अपने साइज इंक्रीज करता है तब द टाइड ऑफ द ओशन ऑल्सो इंक्रीजेज. व्हेन द साइज ऑफ द मून डिक्रीजेज द टाइड ऑफ द ओशन ऑल्सो डिक्रीजेज. सो ये सब नेचुरल है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है एलिमिनेट करना. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एटमोस्फियरिक थिंग आर नोन एज परमानेंट कॉजेज अकॉर्डिंग टू मिल. नाउ okay, so in short, let me revise. This is a symbolical example of method of concomitant variation, and concrete example जो मैंने आप लोगों को already दिया है, एक है demand और price का, और एक है moon और tide का. okay, they are the two concrete example which I have explained you just now, and this is a symbolical example जो आप लिख के या फिर देख के समझ सकते हैं. see, जो मैंने आप लोगों को already notes में दिया है. ओके, नाउ और एक पॉइंट है इस मेथड में. द पॉइंट इज दैट ये जो मेथड है ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन, इट इज नाइदर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट नॉर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. मतलब ये हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों से कर सकते हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल्सो एंड यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, बोथ. ठीक है, so if we use this method or analyze this method with the help of experiment, then the conclusion drawn of this method will be certain. अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं तो फिर द कंक्लूजन विल बी सर्टेन, और अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं देन द कंक्लूजन विल बी प्रोबेबल. ठीक है, क्लियर? अब फिर से एक बार फर्स्ट मेथड से बोल देती हूँ. मेथड ऑफ एग्रीमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ डिफरेंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, joint method of agreement and difference based on observation, method of concomitant variation can be based on experiment, can be based on observation. ठीक है, clear? any confusion? very simple. once again, concomitant variation is the fourth method out of the 5 method of Mill experimental inquiry. according to concomitant variation, अगर एक फेनोमेना इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, और अगर दोनों एक साथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, इफ दे आर वेरिंग टुगेदर दैट मीन्स दे आर कॉजली कनेक्टेड. देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनवर्स. डायरेक्ट मतलब व्हेन वन फेनोमेना इंक्रीज द अदर ऑल्सो इंक्रीज, व्हेन वन फेनोमेना डिक्रीज द अदर ऑल्सो डिक्रीज, एंड इनवर्स मतलब व्हेन वन इंक्रीज द अदर डिक्रीज, व्हेन अदर डिक्रीज देन वन इंक्रीज. ओके, द कैनन ऑफ एलिमिनेशन जो है, जो फोर्थ कैनन है, दैट इज द कैनन ऑफ मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन, जिसका मतलब है अगर दो चीज एक साथ वेरी कर रहा है देन दे आर कॉजली कनेक्टेड.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंट कॉजेस अकॉर्डिंग टू मिल. बहुत सारे नेचर में ऐसी चीजें हैं जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे हीट, ग्रेविटी, प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर. ये सबको मिल ने नाम दिया है परमानेंट कॉजेस. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन इस तरह के कॉजेस हम लोग निकाल सकते हैं. जैसे मून एंड द टाइड, व्हेन द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेस द टाइड ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन द टाइड इन द ओशन डिक्रीजेस द साइज ऑफ द मून ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इज दैट दिस मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंट. हम लोग ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंट भी यूज कर सकते हैं. अगर ऑब्जर्वेशन यूज किया है देन द रिजल्ट विल बी प्रोबेबल, और अगर एक्सपेरिमेंट यूज किया है देन द रिजल्ट विल बी सर्टेन. ठीक है, क्लियर? आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू. इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन यू लेट मी नो. ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.